दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि महारथी अर्जुन कहते हैं कि मैं कर्ण, कृपाचार्य, द्रोण, अश्वत्थामा आदि 6 महारथियों को अपने आधे के बराबर भी नहीं समझता, वो मेरे बाणों को नहीं काट सकते, क्योंकि मैंने कुबेर, वरुण, यम, इंद्र आदि कई देवों से अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं और उनका तोड़ किसी के पास भी नहीं है। और ये सारा वर्णन किस प्रकार होता है, ये सब जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हमने महाभारत द्रोण पर्व में प्रतिज्ञा पर्व के अंतर्गत 76वें अध्याय से लिया गया है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देर की। अर्जुन बोले, मधुसूदन, दुर्योधन के जिन 6 महारथियों को आप बल में अधिक मानते हैं, उनका पराक्रम मेरे आधे के बराबर भी नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। जयद्रथ के वध की इच्छा से मेरे युद्ध करते समय आप देखेंगे कि मैंने इन सब के अस्त्रों को अपने अस्त्र से काट गिराया है। मैं द्रोणाचार्य के देखते देखते अपने सैनिकों सहित विलाप करते हुए सिंधुराज जयद्रथ का मस्तक पृथ्वी पर गिरा दूंगा। मधुसूदन, श्री कृष्ण यदि साध्य, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, इंद्र सहित मरुदगण, विश्वदेव, देवेश्वरगण, पितर, गंधर्व, गरुड़, समुद्र, पर्वत, स्वर्ग, आकाश, ये पृथ्वी, दिशाएं, दिग्पाल, गांवों तथा जंगलों में निवास करने वाले प्राणी और संपूर्ण चराचर जीव भी सिंधुराज जयद्रथ की रक्षा के लिए उद्यत हो जाए तो भी मैं सत्य के शपथ खाकर और अपना धनुष छूकर कहता हूँ कि कल युद्ध में आप मेरे बाणों द्वारा जयद्रथ को मारा गया देखोगे। केशव, उस दुर्बुद्धि पापी जयद्रथ की रक्षा का बीड़ा उठाए हुए जो महाधनुर्धर आचार्य द्रोण हैं, पहले उन्हीं पर आक्रमण करूंगा। दुर्योधन आचार्य पर ही युद्ध रूपी द्युत को आबद्ध मानता है, अतः उसी की सेना के अग्रभाग का भेदन करके मैं सिंधुराज के पास जाऊंगा। जैसे इंद्र अपने वज्र द्वारा पर्वतों के शिखरों को विदीर्ण कर देते हैं, उसी प्रकार कल युद्ध में मैं अच्छी तरह तेज किए हुए नाराजों द्वारा बड़े बड़े धनुर्धरों को चीर डालूंगा। ये आप देखेंगे, मेरे तीखे बाणों द्वारा विदीर्ण होकर गिरते और गिरे हुए मनुष्य, हाथी और घोड़ों के शरीरों से खून की धारा बह चलेगी। गांडीव धनुष से छूटे हुए बाण मन और वायु के समान वेगशाली होते हैं। वे शत्रुओं के सहस्त्रों हाथी, घोड़े और मनुष्यों को शरीर और प्राणों से शून्य कर देंगे। यम, कुबेर, वरुण, इंद्र तथा रुद्र से मैंने जो भयंकर अस्त्र प्राप्त किए हैं, उन्हें कल के युद्ध में सब लोग देखेंगे। जयद्रथ के समस्त रक्षकों द्वारा छोड़े हुए अस्त्रों को मैं युद्ध स्थल में ब्रह्मास्त्र द्वारा काट डालूंगा, ये आप देखेंगे। केशव, कल मैं युद्ध में आप देखेंगे कि इस पृथ्वी पर मेरे बाणों के वेग से कटे हुए राजाओं के मस्तक बिछ गए हैं। कल मैं मांसभोजी प्राणियों को तृप्त कर दूंगा, शत्रु सैनिकों को मार भगाऊंगा, सुहृदयों को आनंद प्रदान करूंगा और सिंधुराज जयद्रथ को मत डालूंगा। सिंधुराज जयद्रथ पापपूर्ण प्रदेश में उत्पन्न हुआ है, उसने बहुत से अपराध किए हैं, वह एक दुष्ट संबंधी है, अतः कल मेरे द्वारा मारा जाकर अपने सुजनों को शोक में निमग्न कर देगा। सदा सब प्रकार से दूध भात खाने वाले पापाचारी जयद्रथ को रणांगत में आप राजाओं सहित मेरे बाणों द्वारा विदीर्ण हुआ देखेंगे। श्री कृष्ण, मैं कल सवेरे ऐसा युद्ध करूंगा जिससे दुर्योधन रण क्षेत्र के भीतर संचार के दूसरे किसी धनुर्धर को मेरे समान नहीं मानेगा। नरश्रेष्ठ, ऋषिकेश, जहां गांडीव जैसा दिव्य धनुष है, मैं योद्धा हूं और आप सारथी हैं, वहां मैं किसको नहीं जीत सकता। भगवान, आपकी कृपा से इस युद्धस्थल में कौन सी ऐसी शक्ति है जो मेरे लिए असहाय हो। ऋषिकेश, आप ये जानते हुए भी क्यों मेरी निंदा करते हैं। जनार्दन, जैसे चंद्रमा में काला शिन स्थिर है, जैसे समुद्र के जल की सत्ता सुनिश्चित है, उसी प्रकार आप मेरी इस प्रतिज्ञा को भी सत्य समझे। प्रभो, आप मेरे अस्त्रों का अनादर न करें, मेरे इस सुदृढ़ धनुष की अवहेलना न करें, इन दोनों भुजाओं के बल का तिरस्कार न करें और अपने इस सखा धनंजय का अपमान न करें। मैं संग्राम में इस प्रकार चलूंगा जिससे कोई मुझे जीत न सके, वरन मैं विजयी होऊंगा। इस सत्य के प्रभाव से आप रण क्षेत्र में जयद्रथ को मारा गया ही समझे, जैसे ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण में सत्य, साधु पुरुषों में नम्रता और यज्ञों में लक्ष्मी का होना ध्रुव सत्य है, उसी प्रकार जहाँ आप नारायण विद्यमान हैं, वह विजय भी अटल है। संजय कहते हैं, राजन, इंद्र कुमार अर्जुन ने गर्जना करते हुए इस प्रकार उपयुक्त बातें कहकर संपूर्ण इंद्रियों के नियंता तथा सब कुछ करने में समर्थ अपने आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण को स्वयं ही मन से सोचकर इस प्रकार आदेश दिया, श्री कृष्ण, आप ऐसा प्रबंध कर ले कि कल सवेरा होते ही मेरा रथ तैयार हो जाए, क्योंकि हम लोगों पर महान कार्यभार आ पड़ा है।
दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का अगला भाग भी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके लिए दूसरा भाग जरूर लाएंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे ही हम वीडियो बनाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। धन्यवाद।